हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 इंग्लिश मीडियम के लिए है। सब्जेक्ट फिजिक्स, चैप्टर नंबर 14, टॉपिक है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में आपको एक टॉपिक बताया गया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में आपको डिटेल से बता दिया गया है, सारे कंसेप्ट भी आपके क्लियर कर दिए गए, शायद नोट्स भी आपने बना लिए होंगे, ठीक है। तो वहां पे आपको एक चीज बताई गई थी जब आप पढ़ रहे थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किसी कंडक्टर में, किसी वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो कराएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थ्री टाइप्स के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कितने तरह के इफेक्ट? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो थ्री टाइप्स यानी तीन तरह के इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। पहला आपको बताया गया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तीसरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो लास्ट वाला जो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये जो आपके कोर्स में है नहीं, ये तो केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो केमिस्ट्री के पोर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में नहीं, हम दोनों चीजें की बात करेंगे, केवल किसकी किसकी, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक को आप प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं अच्छे से, ठीक है। अब दूसरा वाला बचा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसमें एक पूरा चैप्टर है, पूरी डिटेल में हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो टाइटल दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या होगा? जैसे वहां पे क्या था, इलेक्ट्रिक करंट अगर हम प्रोवाइड कराते हैं या इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं किसी कंडक्टर में, तो हीट जनरेट होती थी, हीट डिसिपेट होती थी ना। ऐसे ही यहाँ पे है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक करंट हम कहीं प्रोवाइड करते हैं, किसी वायर में प्रोवाइड करते हैं, तो वायर कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यानी वो भी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, यानी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। कहने का मतलब है अगर किसी वायर में हम करंट फ्लो कराते हैं, किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं, यानी अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, तो कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, सीधा सीधा समझिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब। तो आप कह सकते हैं द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस द इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, ठीक है। जैसे मैग्नेट बिहेव करता है, एक मैग्नेट ले लीजिए, बार मैग्नेट, वो क्या करता है, लोहे से बनी चीजों को, है ना, लोहे से बनी चीजों को, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, या लोहे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, चिपका लेता है ना। यानी क्या होता है, मैग्नेट के पास क्या होता है, मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म होता है ना। तो वैसे ही सेम चीज किसके पास होती है, करंट कैरिंग वायर के पास। अगर कोई वायर है, करंट हमने फ्लो करा दिया उस वायर, करंट कैरिंग वायर है, तो वो भी किसकी तरह बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। ये किसने बताया, कैसे पता लगा ये सारी चीजें, तो चलिए हम डिटेल में जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है आपका ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पहले टॉपिक आप पढ़ेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरेस्टेड कौन थे, एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने एक चीज बताई, एक थ्योरी बताई कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। जैसे पहले की अगर हम बात करें, बहुत 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 पहले की बात अगर हम करें, तो जो दोनों चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी विद्युत और चुंबकत्व, ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट्स माने जाते थे। बहुत पहले की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म क्या है, तो अलग अलग सब्जेक्ट्स माने जाते थे, और इनको अलग अलग पढ़ाया भी जाता था, है ना। लेकिन एक पहले इंसान थे, कौन, इनका नाम था एच सी ओरेस्टेड, एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे। इन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों इंटर रिलेटेड टर्म्स है, यानी दोनों में रिलेशन है। क्या रिलेशन है, कैसे इन्होंने पता लगाया, चलिए हम पढ़ते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे देखिए, बताते हैं आपको। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट किसने किया था, ओरेस्टेड ने, एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, इनका पूरा नाम क्या है, हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, वन ऑफ द लीडिंग साइंटिस्ट फ्रॉम द 19th सेंचुरी, प्लेड क्रूशियल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इन 1820 ही एक्सीडेंटली डिस्कवर दैट कंपास नीडल लॉ डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मैग्नेटिक वायर प्लेस नियर बाय। क्या हुआ था एक्चुअली, हम बताते हैं, ये जो साइंटिस्ट थे या फिजिसिस्ट थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड, ये क्या कर रहे थे, अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी पे लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे, है ना। तो क्या हुआ, जब ये लेक्चर प्रोवाइड कर रहे थे अपने स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिसिटी पे, तो एक्सीडेंटली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट किया वहां पे, एक चीज यहाँ पे इन्होंने खोज के निकाली, वो चीज क्या थी, यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। तो क्या हुआ था, जैसे कि ये अपने बच्चों को लेक्चर दे रहे इलेक्ट्रिसिटी पे, तो वो किसी और मोटिव, मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसका मोटिव कुछ और था, मतलब उसका मोटिव कुछ और था, लेकिन अचानक कह सकते हैं एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, वहां पे कुछ और चीजें किसी, मतलब इनका जो मोटो था, इनका जो मोटिव था, वो कोई और चीज था, लेकिन उसके थ्रू, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनको एक नई चीज अचानक से मिल गई,
एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड का मतलब क्या हुआ कि चाहते कुछ थे मिल गया कुछ। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट है, वो कैसे डिस्कवर हुआ था? वो एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड हुआ था, यानी अचानक। यानी एक्सपेरिमेंट करने का मोटिव कुछ और था, मोटो कुछ और था, चीजें मिल गई कुछ और, ठीक है। हाँ, तो ये 1820 की बात है, दी एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड, यानी कि मोटो कुछ और था और यहाँ पे इनको कोई नई चीज मिल गई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मिल गया इनको, है ना। 1820 की बात है, दी एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट अ कंपास नीडल वाज डिफ्लेक्टेड व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मैग्नेटिक वायर प्लेस देयर बाय। उन्होंने किया क्या था अपने एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने क्या किया था, एक सर्किट ली, उसको बैटरी से कनेक्ट कराया और उसमें इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही प्रोवाइड कराया, इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कराया, तो बगल में उन्होंने उसके ऊपर वायर के बगल में या कह सकते हो वायर के ऊपर उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा था। मैग्नेटिक कंपास जानते हो, मैग्नेटिक कंपास इस तरह का होता है, इसमें क्या होता है, एक बार मैग्नेट लगा होता है। तो क्या किया उन्होंने, जब एक सिंपल सी सर्किट ली उसमें उन्होंने क्या किया, करंट फ्लो कराया और उस वायर के ऊपर एक कह सकते हो मैग्नेटिक कंपास रख दिया। तो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल थी, जो सुई थी, वो क्या होगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। वो क्या होने लगी, डिफ्लेक्ट होने लगी। चलिए डायग्राम से देखिए, देखिए ये एक सर्किट हमने ले लिया है और इस तरह की स्विच जो है क्या, ओपन स्विच है, यानी अभी करंट इसमें फ्लो नहीं हो रहा, ये बैटरी कनेक्टेड है और ये कंपास है जो कि वायर के ऊपर रखा है, मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास के अंदर एक छोटा सा बार मैग्नेट होता है, ठीक है, याद रखिए। तो यहां पर ये स्विच अभी क्या ओपन है, यानी स्विच ऑन नहीं है, यानी करंट यहां फ्लो नहीं हो रहा है। फिर देखिए दूसरे वाले डायग्राम में, ये बैटरी है, ये मैग्नेटिक कंपास है, ये यहां पे स्विच कर दिए, क्लोज कर दिए, यानी स्विच ऑन कर दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए तो करंट क्या होने लगा, इसमें फ्लो होने लगा। जैसे ही करंट फ्लो होने लगा इस सर्किट में, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास रखा था इस वायर पे, इसकी जो नीडल थी वो क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। इससे पहले वाले डायग्राम में देखिए, जब तक स्विच ऑफ थी, यानी मैं यहां पे करंट फ्लो नहीं किया गया, तो इस मैग्नेटिक कंपास की स्थिति देखिए, इसमें कोई हरकत नहीं है, बिल्कुल अपनी जगह पे नॉर्थ पोर्शन में स्थित है, ठीक है। लेकिन जैसे ही दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, जैसे ही उन्होंने क्या किया, स्विच ऑन की, यानी करंट प्रोवाइड कराया इस सर्किट में, तो मैग्नेटिक कंपास की स्थिति क्या हो गई, टिल्ट हो गई, देखिए डिफ्लेक्ट हो गई, इसकी तरफ झुक गई, इसमें हरकत आ गई। तो उन्होंने वहां पर ये देखा कि मैं तो जो ये साइंटिस्ट थे वो ऐसे, कि मैं तो सिंपल से सर्किट में क्या कर रहा हूँ, करंट फ्लो करा रहा हूँ, तो ये सुई क्यों डिफेक्ट हो रही है, मैग्नेटिक कंपास की सुई क्यों डिफेक्ट हो रही है। तो वहां पे उनका माथा ठंडा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं सर्किट में, उसका इस मैग्नेटिक कंपास यानी इस मैग्नेटिज्म से कुछ तो लेना देना है, कुछ तो लेना देना है, क्योंकि करंट फ्लो करा रहे हैं सर्किट में, तो करंट फ्लो कराने से मैग्नेटिक कंपास यानी मैग्नेट से क्या लेना देना, यानी इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म से क्या लेना देना। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने कराया, जब इसमें इस सर्किट में क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास कराया, तो ये जो मैग्नेटिक कंपास में रखा था, इसकी सुई क्या होगी, इसकी नीडल डिफ्लेक्ट होगी। तभी इन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिज्म से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। यहीं से इस एक्सपेरिमेंट के बदौलत ही उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म यानी विद्युत और चुंबकत्व दोनों इंटर रिलेटेड टर्म है, दोनों अलग अलग टर्म नहीं है, दोनों इंटर रिलेटेड टर्म है। जैसे क्या होता है, एक मैग्नेट है, जैसे कि एक मैग्नेट बना लिया, तो मैग्नेट आपको पता है, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, मैग्नेट बना लिया, ले लिया एक बार मैग्नेट ले लिया, तो आपको पता है इसका एक, इसके चारों तरफ एक कह सकते हो एक रीजन होगा, एक एरिया होगा, जहां भी ये मैग्नेट अगर कोई चीज आती है, लोहे की चीजें या कोई लोहे से बनी चीज आती है, लोहा आता है, क्या करेगा मैग्नेट, उसको अट्रैक्ट करेगा। मैग्नेट के पास क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिज्म होता है ना। तो वैसे ही जैसे मैग्नेट बिहेव करता है, कि मैग्नेट के पास अगर आसपास उसके रीजन में कोई लोहे की बनी चीज आएगी या लोहे की चीज आएगी, तो क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। यानी इसके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है ना, तो क्या करेगा, बार मैग्नेट है, अगर कोई दूसरा बार मैग्नेट लिया है, उसको भी क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। बोलो, ऐसे ही इन्होंने बताया, जैसे मैग्नेट बिहेव करता है, जैसे मैग्नेट के पास मैग्नेटिज्म होता है, वैसे ही ऑरेस्टेड सर ने बताया अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उन्होंने बताया कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, अगर कोई यहाँ बना रहे हैं, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए हम वायर मान लेते हैं, अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो वो भी कैसे बिहेव करेगा, मैग्नेट की तरह, यानी वो भी मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा उसके आस पास, वायर के आस पास, यानी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। हाँ, जैसे आप लोग देखो, आपको घर में जो इलेक्ट्रिक प्लेन्स है, मान लीजिए कूलर ले लेते हैं, कूलर लेते हैं तो कूलर क्या करते हैं, उसको स्विच ऑन करते हैं तो करंट पहुंचता है कूलर के, कूलर में करंट पहुंचता है, तो कूलर में जो मोटर लगी होती है वो घूमती है, इससे हमें क्या मिलती है, हवा मिलती है, हम लोग हवा खाते हैं, तो कैसे हो जाए, होता है, मोटर
मोटर कैसे नाचती है, यही यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। कूलर की जो मोटर नाचती है, जो कूलर से हवा खाते हैं, वहां पे भी यही कॉन्सेप्ट है। हम स्विच ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक करंट जब जाके वहां पे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जब पहुंचता है मोटर तक, तो वहां पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तभी कूलर की मोटर घूमती है और हम हवा खाते हैं। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो, यानी किसी मतलब मान लीजिए हम कूलर को करंट देते हैं, स्विच ऑन की करंट पहुंचा, करंट जैसे ही पहुंचेगा तो क्या होगा, करंट कैरिंग वायर में क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा। मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा तभी कूलर की मोटर घूमेगी और हमको हवा मिलेगी। अगर मैग्नेटिज्म ना प्रोड्यूस हो तो कूलर की मोटर घूमेगी नहीं, हमको हवा मिलेगी नहीं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से सीधा सीधा इन्होंने ये बता दिया कि जैसे मैग्नेट बिहेव करता है, मैग्नेट के पास कह सकते हो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही करंट कैरिंग वायर के पास भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होती है। कोई वायर है उसमें अगर करंट हमने दे दिया, करंट कैरिंग वायर है, तो वो भी अपने चारों तरफ अपने आसपास क्या करेगा, मैग्नेटिक या कह सकते हो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसमें क्या होगा, उसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी। ठीक, जैसे इतना बड़ा तो एक्सपेरिमेंट किसका था, तो उससे एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिखे डायग्राम को भी समझा दिया, तो इन्होंने ऐसे ही किया। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक, चलिए इसको नोट्स में कर लीजिएगा। थैंक यू।